हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि कितने तरह के ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, जो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने तीन कैटेगरी डिफाइन करी थी। सबसे पहली हमारे पास में, अगर हम बोले तो, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हमने कहा था। सेकंड जिसको हमने कहा था, कोडेड फॉर्म। और थर्ड जो कि हमारे पास में थी, पजल फॉर्म। और एक थी मिसलेनियस, वो तो हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे सामने आएंगे। वो बेसिकली ये तीन कैटेगरी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से सेकंड और थर्ड आपके पास इम्पॉर्टेंट हैं। ये जनरली पूछ ही ली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज ए एंड बी मीन्स ए प्लस बी। देखिए ये कोडेड फॉर्म आ गया। ये कौन से फॉर्म के क्वेश्चन है? ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन है। कोडेड फॉर्म में इसी तरीके से होगा। यहाँ पे उसने ए प्लस बी, ए माइनस बी दे दिया है। वो और कुछ भी दे सकता था, परसेंटेज भी दे सकता था, हैश भी दे सकता था, तो उसने यहाँ क्या दे दिया है? प्लस माइनस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो ए प्लस बी की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो ए इज़ द डॉटर ऑफ बी है। अगर ए इज़ द डॉटर ऑफ बी है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड से ही रिलेशन है, उल्टा रिलेशन नहीं चल रहा। मतलब इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्लस का मतलब डॉटर हो सकता है। ए माइनस बी का मतलब भी डायरेक्टली चल रहा है कि ए बी का हस्बैंड है, ठीक है। और ए स्टार बी का मतलब भी डायरेक्टली चल रहा है कि ए ही बी का ब्रदर है। तो इसका मतलब अगर आप डिफाइन करना चाहो, तो आपको एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन सिंबल्स को लिख करके ये बता सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को, और स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। ख़त्म। क्योंकि हमें पता है कि इनका जो फ्लो चल रहा है, वो फर्स्ट टू सेकंड एलिमेंट चल रहा है, ए टू बी ही चल रहा है, बी टू ए नहीं चल रहा। अगर बी टू ए चलता तो हमें वो मेंशन करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम सीधे आते हैं, क्योंकि हमें रिलेशंस पता लग चुके हैं। अब हमें उन रिलेशन को इंटरलिंक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए पी प्लस क्यू माइनस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो प्लस का मतलब क्या था? डॉटर। तो पी क्यू की क्या हो गई? डॉटर। पी तो क्यू की क्या हो गई? डॉटर। एंड क्यू माइनस आर, माइनस मतलब हस्बैंड। क्यू आर का क्या है? हस्बैंड। और अगर क्यू आर का हस्बैंड है, तो आर उसकी कौन हो गई? वाइफ। इसका मतलब आर और क्यू का एक चाइल्ड है, जिसका नाम है पी। आर और क्यू का एक चाइल्ड है, जिसका नाम है पी। ये आपके पास डायग्राम बन गया। और पी क्या है? उनकी डॉटर। मतलब तीनों का जेंडर भी पता है। तो अब क्या पूछा है उसने कि कौन सा सही होगा? तो देखो, विच वन इज ट्रू? आर इज द मदर ऑफ पी। आर पी की मदर है। यस, दिस इज राइट। आर इज द सिस्टर। सिस्टर इन लॉ का रिलेशन ही नहीं है, आंट का रिलेशन नहीं, नन ऑफ दिस। खत्म हो गया। डायरेक्टली हमारे पास में सीधे रिलेशंस है, तो हमें आंट और सिस्टर इन लॉ पे जाने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ कह रहा है पी स्टार क्यू प्लस आर। तो पी स्टार क्यू का मतलब हो गया ब्रदर। पी क्यू का क्या है? भाई है। तो उससे क्यू का जेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन क्यू प्लस आर, ये जो क्यू प्लस आर है, तो क्यू प्लस आर जो है, क्यू डॉटर हो जाएगी आर की। डॉटर मतलब माइनस। अब आर का जेंडर मुझे नहीं पता। आर उसके पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती है। इसका मतलब आर फादर या मदर में से कुछ भी हो सकता है, जिनके दो चाइल्ड हैं। एक तो है पी, जो कि है मेल, और एक है क्यू, जो कि है फीमेल। खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पी इज द ब्रदर ऑफ आर। पी इज द ब्रदर ऑफ आर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पी और आर में तो रिलेशन ही अलग है। ब्रदर का तो है ही नहीं, अंकल हो नहीं सकता। तो पी इज द सन ऑफ आर। पी इज द सन ऑफ आर। यस, पी इज द सन ऑफ आर इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? पी इज दी सन ऑफ आर। पी आर का बेटा है, बिल्कुल पी आर का बेटा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है, ये मुझे कोई बता सकता है? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? तो यहां मैं डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आर है, मुझे इसका जेंडर नहीं पता। तो आर पी के फादर भी हो सकते हैं और आर पी की मदर भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है, कि यदि किसी का जेंडर डिफाइन नहीं होता है, तो आप उसका रिलेशन किसी और के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इफ पी प्लस क्यू, इफ पी प्लस क्यू स्टार आर, यदि दिया हुआ है, यदि पी प्लस क्यू
एच, बिना डायग्राम बनाए, एच के की सिस्टर है, कोशिश करो दिमाग में डायग्राम बने। एच एट द रेट के का मतलब हुआ एच के की सिस्टर है, दिख गया आपको एच के की सिस्टर। आगे चलो, के डॉलर एल, के कौन है फादर, के कौन है फादर किसका, एल का, तो एच और के तो भाई बहन हो गए, और एच के की सिस्टर है और के एल का पिता है, के इज द फादर ऑफ एल। अब आते हैं एल पे, एल हैश एम, हैश का मतलब होता है डॉटर, एल जो है वो डॉटर है किसकी, एम की, तो यहां से आप बता सकते हो कि एम उसकी मदर हो गई क्योंकि उसके फादर तो के हैं, ठीक है। अब देखो क्या रिलेशन बना कि एच जो हो गई वो तो सिस्टर थी के की, के की डॉटर है एल, और एल की मदर है जो कि के की वाइफ होगी एम। क्लियर हो गया यहां से, तो बिना देखे कोशिश किया करो, बिना चार्ट के ही बना सके हम, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो के का एम से क्या संबंध, तो ये के है, के का एम से क्या संबंध, तो के एम का कौन है, हस्बैंड है, और एम के की कौन है, वाइफ है, ठीक है। के और एच का रिलेशन, तो एच के की कौन है, सिस्टर है, और एच एम की कौन है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो यहां तो आंसर क्या आ जाएगा, हस्बैंड, ठीक है। एल एच की कौन है, नीस है, और एच एल की कौन है, आंट है। क्लियर है, ये सब चीज क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा टाइम नहीं लगता इनमें, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इंट्रोड्यूसिंग वीना, वीना को इंट्रोड्यूस करते हुए कोरी सेड, कोरी ने क्या कहा। देखो कोरी का जेंडर मुझे नहीं पता क्योंकि कोरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, इसलिए प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है। कोरी ने किसको इंडिकेट करते हुए कहा, कोरी ने इंट्रोड्यूसिंग वीना, तो वीना से आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वीना का भी जेंडर नहीं पता, ठीक है। पर कोरी ने वीना को इंडिकेट करते हुए कहा कि शी, अब आप बोल सकते हो शी किसके लिए आया, क्योंकि वीना के लिए, वीना के लिए क्या आया है, शी, तो यहां से आप बोल सकते हो कि वीना जो है वो फीमेल है, वीना जो है वो फीमेल है, क्या है वीना, फीमेल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब यहाँ से हमें इसको हटा सकते हैं अब हम, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि शी इज द ओनली डॉटर, कि वीना जो है एक लौत, फादर की बेटी कौन है, कोहरी, कोहरी जो है फादर की बेटी है, और क्योंकि फादर की, तो क्या बोला गया है कि वीना इज द ओनली डॉटर ऑफ माय, मतलब कोहरी, माय फादर्स ओनली डॉटर, तो अगर कोहरी लड़की है तो उसकी एक लौती बेटी कौन ही होगी, कोहरी ही होगी, और उसकी एक लौती बेटी कौन हो जाएगी उस केस में, वीना हो जाएगी, कौन हो जाएगी, वीना, मतलब एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये बन सकता है आपके पास में कि फादर की दो चाइल्ड थे जिनमें से कोरी तो लड़का है, और फादर का एक और चाइल्ड है कोई, मेरे को नहीं पता कौन, क्वेश्चन मार्क लगा दो, वो उसकी एक लौती बेटी है कोरी के फादर की, और उसकी एक लौती बेटी कौन हो जाएगी, वीना हो जाएगी, तो ये एक और केस बन गया। तो दो केस बन सकते हैं क्योंकि मुझे कोरी का जेंडर नहीं पता। अब उसने क्या पूछा है, हाउ इज कोहरी रिलेटेड टू वीना, कोहरी का वीना से क्या रिलेशन, कोहरी कौन लगती है, तो इस केस में तो कोहरी मदर हो जाएगी, इस केस में कोहरी कौन हो जाएगा, अंकल होगा, इस केस में कोहरी कौन होगा, अंकल होगा वीना का, ठीक है। इन चार ऑप्शन में अगर आप देखना चाहो तो कहीं अंकल मौजूद है, नहीं, आंट जरूर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर, क्योंकि इन चार ऑप्शन में अंकल कहीं नहीं है, अगर अंकल भी होता मदर भी होता तो कांट भी डिफाइन हो जाता, और क्योंकि यहाँ पे अंकल नहीं है इसलिए मदर आ गया, अगर मदर नहीं होता अंकल होता तो आंसर क्या होता, अंकल हो जाता। यहां तक क्लियर है, चलिए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से एक क्वेश्चन में कहा गया है कि अ मैन इज सेड टू अ लेडी, एक मैन ने, तो यहां से जेंडर डिफाइन हो गया मैन का, यहां से मैन का जेंडर डिफाइन हो गया, ऑलरेडी पता है ये मैन है, मतलब जेंडर ऑलरेडी पता है। अ मैन सेड टू अ लेडी,
अगेन लेडी का भी जेंडर पता, लेडी बोल दिया मतलब फीमेल और मैन बोल दिया मतलब मेल, लेडी बोल दिया मतलब फीमेल और मैन बोल दिया मतलब मेल। अच्छा, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन ने एक लेडी से क्या कहा, योर मतलब कौन, लेडी, योर मतलब कौन, लेडी मतलब योर मदर, मतलब लेडी की मदर्स हस्बैंड्स, तो लेडी की मदर मैंने मान ली एम माइनस, योर मदर्स हस्बैंड इसका हस्बैंड मान लिया एच प्लस, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इसकी सिस्टर मैंने मान ली एस माइनस, इज माय आंट वो किस, वो कौन है, एस कौन है, एस एम की आंट है, इज माय, माय किसके लिए यूज हो रहा है, उस मैन के लिए। अ मैन इज सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी माता के पिता, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी चाची या फिर आंटी जो भी बोलना चाहो वो है, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से अब क्या भी हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके ये बच्चा है, एक और बच्चा भी इनका एम भी हो सकता है, हो सकता है एम, सॉरी इसको आप एन का एम कर दो और इसको मदर है ना, तो इसको एम ओ कर दो, तो एम ओ और एच आपके पास में जो है इनके दो चाइल्ड हो सकते हैं, एक तो एल और एक एम। उस केस में क्या हो जाएगा, एच की सिस्टर एम की कौन लग जाएगी, आंट लग जाएगी। तो अब उसने क्या पूछा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, तो लेडी उसकी क्या हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, लेडी उसकी क्या हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। और एक दूसरा केस ये बन सकता है कि हो सकता है इसकी भी कोई सिस्टर हो जिसका एम बेटा हो, हो सकता है इस मदर की भी कोई सिस्टर हो जिसका, या फिर ब्रदर हो जिसका ये बेटा हो, तो उस केस में इन दोनों के रिलेशन आ जाएगा कजिन का, लेकिन कजिन यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए आंसर क्या आएगा, सिस्टर, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है, बना के दिखा देता हूँ, दूसरा केस ये बन सकता है, ये जो एम है ये इस बी का बेटा हो और ये बी भाई हो एमओ का, और एमओ का हस्बैंड हो एच और इसकी सिस्टर हो एस और इन दोनों का चाइल्ड हो एल, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कजिन्स हो जाएंगे, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कजिन हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अभी ये कजिन नहीं है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ निशांत सेट, तो निशांत का जेंडर मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ निशांत जो है ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस या माइनस। लेकिन उसने एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ निशांत सेट शी, इसका मतलब ये फोटोग्राफ किसकी है, किसी लड़की की या लेडीज की है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। एक फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए क्या कहा, ये फोटो लिख दिया मैंने, निशांत ने एक फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए कहा दैट शी इज दी मदर, की ये फोटोग्राफ वाली जो लड़की है शी इज दी मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, ये मदर है किसकी, ये मदर है, शी इज दी मदर, फोटोग्राफ वाली लड़की मदर है किसकी, मेरे बेटा, एन का बेटा मान लो बी, मेरे बेटे, माई सन्स वाइफ, माई सन्स वाइफ मतलब मेरे बेटे की पत्नी डब्ल्यू माइनस, माई सन्स वाइफ्स डॉटर, इन दोनों का कोई बेटी है इन दोनों की, जिसको हम बोल देते हैं डी माइनस, इन दोनों की कोई बेटी है जिनको हम बोल देते हैं डी माइनस, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये निशांत है, निशांत ने एक फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए कहा, क्या कहा कि निशांत ने फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए कहा, सॉरी हाँ निशांत ने फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए कहा कि फोटोग्राफ में जो लड़की है शी इज द मदर, ये मदर है किसकी, मदर है माय सन्स वाइफ्स डॉटर, डॉटर मतलब डी माइनस, इसकी मदर है, मेरे सन की बीवी की बेटी की मदर है कौन, ये फोटोग्राफ वाली लड़की, मतलब आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि डब्ल्यू माइनस ये फोटोग्राफ वाली लड़की है, तभी पॉसिबल है। फिर से समझाओ, फिर से समझाता हूँ आपको, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को इंडिकेट करते हुए निशांत ने कहा कि ये फोटोग्राफ वाली लड़की मदर है, किसकी मदर है यही पता करना है, शी इज दी मदर, किसकी मदर है यही पता करना है, कि शी इज दी मदर ऑफ माय सन्स वाइफ्स डॉटर, मतलब इस डी की मदर है, और डी की मदर है कौन, डब्लू। अब पूछा क्या, हाउ इज निशांत रिलेटेड टू लेडी, निशांत का लेडी से क्या रिलेशन है, तो निशांत या तो फादर इन लॉ होगा या मदर इन लॉ, क्यों, क्योंकि निशांत का जेंडर हमें नहीं पता,
इसलिए निशांत W का, क्योंकि निशांत का बेटा तो B है और W उसकी बहू है, W उसकी बहू है तो निशांत उसका कौन लगा, या तो सास लगी या तो ससुर, या तो फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, और ऑप्शन में मदर इन लॉ नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, फादर इन लॉ। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी सबको, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इस केस के अंदर हमारे पास अभी तक हमने कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए, अभी तक हमने कर लिए एक तो वर्ड प्रॉब्लम और एक हमने कोडेड फॉर्म, और मैंने पजल अभी आपको इसलिए नहीं कराया है क्योंकि पजल में टाइम लगता है तो मैं उसका सेशन अलग से लूंगा। तो अभी हमने केवल वर्ड फॉर्म और कोडेड फॉर्म किए हैं जो कि एक या दो नंबर के एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला सेक्शन भी, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। हमें यहाँ पे अपना सेशन एंड करना पड़ेगा क्योंकि तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम और कोडेड फॉर्म जो है दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बाद में आपके पास में पजल फॉर्म के साथ प्रेजेंट होऊंगा, जिसके अंदर हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक के लिए आज इतना ही। चलिए हमारे पास एक और सेक्शन आ गया है तो एक बार देख लेते हैं हम इसको भी, ये सारे के सारे आपके पास ही है तो एक काम कीजिएगा, आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने आपके सामने इसको फॉर्म को दिखा दिया है कि पॉइंटिंग टू अ मैन दिशा सेट दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन जीवा सेट दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन, एंड अ वोमैन इंट्रोड्यूस अ मैन एज अ सन ऑफ अ ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, इन सबके आंसर्स भी आपके पास में है तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कि हम पजल्स की सारी कैटेगरी जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में यही क्वेश्चंस पजल्स के आते हैं, ब्लड रिलेशन के भी आ सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग के भी आ सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस के भी आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट पजल्स आती हैं इन एग्जाम्स के अंदर, और RRB में तो स्पेशली आती हैं, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।